दो माह से जो किसान आंदोलन मजबूती के साथ चल रहा था वह कमजोर होने लगा है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर किसान परेड के दौरान जो भी हुआ उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता और दिल्ली में हुई हिंसा के मुद्दे पर ही किसान नेता वीएम सिंह और भानु प्रताप ने आंदोलन से कदम वापस खींच लिए हैं। वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वीएम सिंह और भानु प्रताप की आलोचनाएं भी हो रही है। अब देखना होगा कि किसान आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि हिंसा के बाद आंदोलन निश्चित रूप से कमजोर पड़ गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों, जब बुरारी का मैदान मिला हमने वहां बुलाया, आखिरी वार्ता मेरी वहां 2 दिसंबर में हुई, जहां मैंने कहा कि यहां पर 1 दिसंबर में पहले वार्ता में हमने कहा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं बोता है, गेहूं उगाता है, धान उगाता है, गन्ना उगाता है, यहां से कोई आदमी नहीं गया, केवल पंजाब से बात कर रहे हो। तो मालूम चलता है उसी शाम को 3-4 घंटे बाद राकेश टिकैत जी को बुलाया जाता है या वो खुद चल पहुंच जाते हैं, वार्ता होती है। ये सरकारी एंट्री थी, मैं वैसे ही खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया। ये सरकारी एंट्री थी जो उनको एंटर कराया गया, साजिश थी नहीं थी हमें नहीं मालूम, पर वो नीचे आके यहाँ बैठ गए थे गाजीपुर में। और 2 तारीख में जब हमने कहा कि हमें जब नहीं बुला रहे हैं किसान संगठनों को, नहीं हमें मतलब किसान संगठनों को नहीं बुला रहे उत्तर प्रदेश के, हम लोग वहां से छोड़ के हमने कहा जिसको जहां जाना है जाओ, हम लोगों ने पीछे रहकर केवल समर्थन दिया जिन जिन को सरकार ने बुलाया और कहा हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे MSP पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। हमारी बात किसी ने नहीं उठाई वहां पर। आखिरी में 26 दिसंबर को जब प्रपोजल गया तो हमारी बात गई, बात नहीं हुई, उसके बावजूद भी हम बैठे रहे। हर चीज में हमने सपोर्ट किया, पर यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिला? ये हमारी डिमांड आज की नहीं है, 20 साल पहले MSP की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो 250 किलोमीटर में परिंदा नहीं निकला था, हर ट्रेन, हर बस, हर साइकिल रोकी गई थी और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके MSP पे खरीद चालू हुई थी, उसकी हम गारंटी चाहते हैं आज। और आज यहां हमें क्या मिल रहा है? कल 26 तारीख में जब देश के अंदर रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस समय हर कोई उस समय गौरव महसूस करता है और हमें भी बड़ा गौरव है गणतंत्र का। और इसी संविधान के तहत हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के किसानों को 1,00,000 करोड़ से ऊपर दिलवा चुके हैं फायदा, 1,00,000 करोड़ से ऊपर का फायदा दिलवा चुके हैं। पर हकीकत क्या है? हमने कहा कि हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस के ऊपर सम्मान रूप मर्यादा के साथ गणतंत्रता मनाएंगे, परेड करेंगे। परसों रात को पहले हमने बार बार चेक किया, रूट भी चेक किए, जो पंजाब वालों ने डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया सिंगो बॉर्डर से, उस पर हमने माना। फिर हमने क्या किया, हमने लोकल SP और ADM के साथ जाके रूट चेक किए, DM SSP के साथ कल परसों वार्ता हुई। इन सब चीजों में तय किया गया, रात को 9 बजे तय किया गया कि रूट जो है जो आपने दिया है थोड़ा सा उसके अंदर जाके हम जो है गाजियाबाद में जाके निकल जाएंगे और रूट जो सरकारी रूट ये होगा, ठीक है सरकारी रूट होगा ही। फिर ये हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना, क्योंकि बहुत दिन से 1 महीने से वार्ता हो रही है, बक्कल तोड़ देंगे भाई, बक्कल उतार देंगे। किसका बक्कल उतार? बक्कल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जो गेहूं का पूला होता है उसकी जून जो है उसका बक्कल होता है, या जो सरकारी मुलाजिम है उसका जो बेल्ट के ऊपर होता है बक्कल वो होता है भाई। लाल किले चलेंगे भाई, रिपब्लिक डे परेड में चलेंगे, 26 जनवरी मनाएंगे। बच्चों में इतना जोश था, फ्लैम्बॉयंस था, उत्साह था,
उसके बाद भी हमने सबसे बैठ के बात की और कहा हम यहाँ काय के लिए आए हैं, हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, अपना दर्द मलम पट्टी कराने आए हैं। जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान देश है ये, किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और यह मुद्दा ऐसा है, 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन रुक जाइए दो मिनट, ये आंदोलन चलेगा पर इस रूप में नहीं चलेगा। मेरे साथ हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, डेढ़ गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई, किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी, किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन, पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे। हम आए हैं केवल और केवल अपने, जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बात है, इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में हमें, मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है।